हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D वीडियो। सो गाइस, तो आप लोगों ने अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम में अभी के टाइम पे बस सिर्फ यही वाला हाउस देखने को मिलता है। एंड हाँ गाइस, आज की स्टूडियो में मैं आप लोगों को न्यू हाउस का लिंक देने वाला हूँ एंड उसका पूरा टूर भी देने वाला हूँ एंड इसके साथ साथ कुछ न्यू चीट कोड्स भी बताने वाला हूँ। तो चलो यार, आप लोगों को मैं बताता हूँ सारा न्यू चीट कोड्स एंड उसके साथ साथ अपने न्यू हाउस का लिंक भी देने वाला हूँ एंड वो कहाँ पर है, कैसा है, देखने में सारा सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलो यार, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। लेट स्टार्ट द वीडियो। और तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर न्यू फर्नीचर वाले प्रॉप्स का चीट कोड नंबर बताने वाला, जो कि आप लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट करके कहा था कि अपने गेम के अंदर ऐड कर। तो गाइस, जैसे आप लोग अपने रजिस्टर में जाकर F1 डायल करोगे तो गाइस आप लोगों को ये बेड देखने को मिल जाएगा यार, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। एंड आप लोग भी कोई भी न्यू मोड बनाने में एंड उसमें हाउस बनाकर उसका यूज कर सकते हैं। एंड F2 डायल करने पर देखो तो यहाँ पर ब्राउन कलर का एक और सोफा टाइप देखने को मिल जाता है, जो कि सिंगल है। एंड इसके बाद जैसे आप लोग अपने फोन के अंदर डायल करोगे गाइस, फोन के अंदर क्या मतलब रजिस्टर में गाइस F3 डायल करोगे तो आप लोग थोड़ा बड़ा वाला सोफा देखने को मिल जाएगा। एंड F4 डायल करने में गाइस यहाँ पर देखने को मिल जाता है आप लोगों को ग्रीन कलर का सोफा, जो कि डबल है एंड काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड आप लोग भी इसका यूज कर सकते हो अपने गेम के अंदर। एंड F5 डायल करने पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये अलमारी टाइप देखने को मिल जाता है, अलमारी या जो भी कह लो गाइस। एंड यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर F6 डायल करने पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है ये वाला, जो कि क्या ही कहते हैं यार, मुझे याद नहीं है नाम इसका। एंड यहाँ पर F7 डायल करने पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक डस्टबिन टाइप है गाइस, आप लोग इसको भी अपने गेम के अंदर यूज कर सकते हो। मतलब कोई अगर मोड आप लोग बना रहे हो, उसमें हाउस बना रहे हो, तो उसके अंदर ये सारे चीजें ऐड कर गाइस आप लोग काफी ज्यादा एट्रैक्टिव बना सकते हो। एंड F8 डायल करने पे आप लोग रेड कलर का लैंप देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग बेडरूम के बगल में साइड में बेड के पास लगा हुआ मिल जाता है। एंड यहाँ पर F9 डायल करने पर गाइस आप लोग को बस वही कलर चेंज करके देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो स्काई ब्लू कलर में देखने को मिल जाता है। एंड F10 डायल करने पर गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मिल जाता है अपना एक और टेबल टाइप गाइस। एंड इसके बाद लास्ट है गाइस हम लोग का F11, जी हाँ गाइस, इसको डायल करने पर आप लोगों को टीवी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, तो देख सकते हो ये कुछ थे न्यू फीचर्स, न्यू फर्नीचर्स प्रॉप्स। सो गाइस, तो ये सारे चीट कोड मैंने आप लोगों को बता दिए। बाकी इस बात के लिए आप लोग इस एक वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं गाइस अपने न्यू हाउस के। तो चलो यार, सबसे पहले मैं न्यू हाउस दिखा देता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों को मैं सारा का सारा चीज बताऊंगा कि आप लोग अपने गेम के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो एंड उसका लिंक कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलो यार, फटाक से लेके चलता हूं आप लोगों को। सो गाइस, तो चलो यहां पर मैं आ चुका हूं इस वाले मोड के अंदर, जो कि मैंने अपने गेम के अंदर उस वाले मोड को लगा लिया, जिसमें न्यू हाउस देखने को मिलने वाला है। एंड इसमें देख सकते हो गाइस अपने अपना ओल्ड वाला हाउस, मतलब यही जिसमें से मैंने निकला है अभी, एंड इसे भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। तो गाइस यार, सबसे पहले आप लोगों को एक चीट कोड बता देता हूं, जो कि न्यू कार की, वो मैंने आप लोगों को बताना भूल गया। 0002 डायल करने पर आप लोग देखने को मिल जाता है गाइस न्यू डिफेंडर, जो कि व्हाइट कलर के अंदर काफी ज्यादा ऑसम लगता है। एंड हां गाइस, इसका भी कलर बाकी कार की तरह आप लोग चेंज कर सकते हो, बाकी मुझे तो व्हाइट कलर में भी अच्छी लगती है एंड रेड कलर में तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलो यार, अब मैं आप लोगों को इसका कलर भी चेंज करके दिखा देता हूं। तो देख सकते हो यार, ग्रीन कलर कर सकते हो, ब्लू कलर, मतलब जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहां पर मैंने रेड कलर कर दिया। एंड ये देखो गाइस यार, इसके ऊपर से हमने, जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि अपने ओल्ड हाले हाउस को भी थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया। एंड यहां देख सकते हो यार, सीढ़ी तो अलग से नहीं लगा, बट इसके थोड़ा स्लोप बनाकर ऊपर जाने का भी ऑप्शन लगा दिया गया है। एंड देख सकते हो यार, ऊपर आने पर कितना ही मस्त लग रहा है। एंड हाँ गाइस, यहाँ पर देख सकते हो इतने बड़े से जैसे प्रॉप्स का यूज करके आरजेस्ट लिखा गया, तो यार उसको छोड़ो। एंड चलो यार, हम लोग मेन फोकस करते हैं अपने न्यू हाउस के बारे में। तो चलो यार, आप लोग मैं फटाक से ले जाता हूँ न्यू हाउस के पास एंड उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस, तो चलो मैं फटाक से अपने कार के अंदर बैठ जाता हूँ गाइस, चलाने भी काफी मस्त आएगा। एंड ये तो अभी न्यू अपडेट में आया, तो चलो इसका इंटीरियर देख लो गाइस, जरा कुछ इस तरीके से देखने मिल जाता है। एंड एक्सटीरियर तो आप लोग देख ही रहो, पीछे एक टायर लगा हुआ है एंड काफी ज्यादा गाइस मसल बिल्डर कार जैसे कह सकते, मतलब काफी ज्यादा अच्छा खासा देखने में लग रहा है, मतलब मजबूत कार, इस मतलब चलाने में गाइस यार काफी ज्यादा मजबूत महसूस हो रहा है बाकी कार की अपेक्षा। एंड ये देख सकते हो गाइस, हम लोग न्यू हाउस, यहाँ पर मैंने एंट्री ले लिया अपने न्यू हाउस के बाद। एंड हाँ गाइस यार, आप लोग वीडियो जरा से भी स्किप मत करना, क्योंकि गाइस यार ये वाले न्यू हाउस का टूर देने के बाद मैं आप लोगों को एक स्विमिंग पूल भी दिखाने वाला हूँ, जो कि अपने गेम के अंदर एक लोकेशन पर ऐड किया गया है। एंड वो गाइस यार कहाँ पर, वो भी आप लोग बताने वाला हूँ। तो गाइस देख सकते हो, मैं फिलहाल अपने न्यू हाउस के अंदर एंटर कर लिया हूँ। एंड ये देख सकते हो गाइस यार, यहाँ पर कुछ सोफा लगा हुआ है। एंड यहाँ पर गाइस अपने आप फ्रैंकलिन, जो गाइस अपने फ्रेंड के साथ मीटिंग करके गाइस टीवी भी देख सकते हैं या मूवी देखना चाहते हो वहाँ पर देख सकते हैं। एंड सेकंड गाइस यार, इसके सामने जस्ट अपोजिट साइड में देख सकते हो, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो, यहाँ पर पौधा लगा हुआ है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट चलो अंदर चलते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये एक प्राइवेट बेडरूम है। एंड यहाँ पर गाइस सामने की तरफ टीवी देखने मिल जाता है। एंड यहाँ पर एक बेड है। एंड यहाँ पर सिंगरदान जो भी कह सकते हो गाइस है लगा हुआ है एंड काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। एंड चलो यार, फटाक से ऊपर वाले फ्लोर पर चलता हूँ, आप लोग दिखाता हूँ। एंड ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पर भी एक बेडरूम देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा है गाइस। एंड हाँ गाइस, इसे आप लोग भी अपने गेम के अंदर ले सकते हो, वो कैसे लोग वो बताऊंगा। एंड हाँ गाइस, ले भी सकते हो एंड आप लोग प्रॉप्स का यूज करके अपने घर के, मतलब अपने मैप के अंदर गाइस आप लोग भी अपने खुद का पर्सनल कुछ भी बना सकते हो, घर बना सकते हो, होटल बना सकते हो, मतलब कुछ भी बना सकते हो। जी हाँ गाइस, बाकी यहाँ पर भाई इस साइड देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ज्यादा कुछ खास चीजें नहीं है। एंड यहाँ पर गाइस कुछ नहीं, तो चलो यार, फटाफट मैं ले चलता हूँ आप लोगों को न्यू स्विमिंग पूल। एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हो यार, एक पंखा भी इतना बड़ा सा लगा है, जो कि गाइस ये भी प्रॉप्स के अंदर आता है एंड आप भी बना सकते हो।
तो चलो यार फटाक से मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को न्यू स्विमिंग पूल के पास। सो गाइस यार वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ा बढ़ा दिया एंड आप लोग इसका लोकेशन देखते रहो मैं कहाँ कहाँ से जा रहा हूँ। सो गाइस तो यहाँ पर देख दो फिलहाल गाइस आप लोग मैं बता देता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन एरिया है गाइस यार उसके जस्ट पीछे हम लोग ये वाला हाउस आई मीन स्विमिंग पूल देखने को मिल जाता है। सो गाइस तो देख सकते हो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद देख सकते हो यहाँ से आप लोगों को जाना जहाँ पर मैं जा रहा हूँ एंड ये गाइस यहाँ पर थोड़ा पतला सा रोड बना हुआ है एंड यहाँ से गाइस सामने की तरफ देख सकते हो न्यू स्विमिंग पूल है एंड हाँ गाइस आप लोगों को कंस्ट्रक्शन एरिया के जस्ट पीछे आप लोगों को ये वाला लोकेशन देखने को मिल जाएगा। एंड तो चलो यार अब एंटर करके अंदर दिखाता हूँ कि आप लोगों को कैसा देखने को मिल जाता है स्विमिंग पूल। ऑलराइट तो गाइस यार देख सकते हो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड अब बारी एंटर करने की अंदर स्विमिंग पूल में। सो गाइस तो यहाँ पर देख सकते हो टनल टाइप बना हुआ है एंड इसके अंदर से हम लोग को जाते जाना है एंड यहाँ से लेफ्ट ले लेना है एंड फाइनली गाइस हम लोग एंटर कर चुके हैं। सीधा देख सकते हो सामने की तरफ हम लोग स्विमिंग पूल है एंड हाँ गाइस इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा मजे ले सकते हैं, नहा भी सकते हैं गाइस यार, ऐसा नहीं कि बस देखने लायक है गाइस, इसके अंदर हम लोग स्विमिंग भी कर सकते हैं। एंड तो चलो यार अब मैं आप लोगों को फटाक से इसको नाइट मोड में करके एक बार दिखाता हूँ कि ये देखने में कैसा लगता है रात में एंड ये सारे जो बल्ब लगे हैं गाइस यार वो सारे सारे जलते भी हैं रात में। ओके गाइस तो यहाँ पर 99 डायल करने पर आप लोग नाइट मोड लग जाती है एंड ये देख सकते हो गाइस रेड आई मीन नाइट मोड में कुछ इससे लग रहा है एंड यहाँ पर देख सकते हो सारे सारे जो बल्ब हैं लगे हुए वो जल भी रहे हैं। एंड तो चलो यार फटाक से इसको हटाते हैं फिर से डे मोड करते हैं एंड इसके बाद आप लोग चलो मैं यहाँ पर ड्रोन की मदद से गाइस आप लोगों को ड्रोन शॉट की मदद से पूरा व्यू दिखाता हूँ ये कैसा देखने को मिलता है। एंड बाकी गाइस आप लोगों को ये अगर स्विमिंग पूल पसंद है तो गाइस इसी बात पे एक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड हाँ गाइस अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए पूरे सिटी का लिंक चाहिए तो गाइस आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर गाइस उसका लिंक को ले सकते हो एंड अपने गेम में जाकर इंटरनेट वाले ऑप्शन में पेस्ट कर दोगे तो गाइस आप लोगों का ये गेम में ऐड हो जाएगा। एंड हाँ गाइस लास्ट बात ये है कि गाइस ये जो गाइस ये पूरा मैप है ये गाइस जय प्लेस भाई ने बनाया हुआ है जो यूट्यूबर हैं गाइस वो भी हमारे एंड उनको गाइस ये पूरे वीडियो में क्रेडिट जाता है क्योंकि गाइस उन्होंने बनाया तो गाइस मैं क्रेडिट तो ले नहीं सकता। बाकी गाइस आप लोग वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में तो मेहनत लगती है। बाकी ये देख सकते हो ये भी एक लोकेशन है, इसके अंदर आप लोग यहाँ पर भी आकर जो भी करना चाहते हो कर सकते हो एंड मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।